राजधानी पटना में बदमाशों ने ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया है। वारदात इतनी बड़ी है कि बिहटा से लेकर पटना तक हरकंप मच गया है। इस हत्याकांड में राजद के कद्दावर नेता और विधायक के भतीजे का भी नाम सामने आया है। उधर मौत की खबर सुनते ही मृतकों के घर में कोहराम मच गया है। पटना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पहली घटना पटना के बिहटा इलाके की है। यहाँ किशनपुर गांव में शनिवार को देर रात रामबाग स्थित मचा स्वामी मठ के पास अपराधियों ने जमीनी विवाद में 3 लोगों को गोलियों से भून दिया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 व्यक्ति का इलाज हॉस्पिटल में इस वक्त चल रहा है। मृतकों की पहचान किशनपुर के रहने वाले प्रदीप कुमार और राहुल कुमार के रूप में की गई है, जबकि घायल शख्स का नाम अजीत बताया जा रहा है। डबल मर्डर की इस घटना के बाद किशनपुर गांव के लोग दहशत में हैं। उधर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दानापुर DSP संतोष कुमार और सिटी SP मामले की जांच कर रहे हैं। सिटी SP ने बताया कि बीती रात दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस सभी पहलुओं पर मामले की छानबीन कर रही है। शुरुआती जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाबत बिहटा थाना अध्यक्ष ने बताया कि जमीनी विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 कट्ठा जमीन पर वर्षों से विवाद चल रहा था। इसी बीच राहुल और प्रदीप ने इसकी रजिस्ट्री कराने के बाद इसकी घेराबंदी कर रहे थे। एक ही दिन में 10 फीट की बाउंड्री बना दी गई। रात में तीनों युवक बाउंड्री कराने के बाद वहीं सो रहे थे। मृतक के भाई प्रकाश कुमार सिंह का ये कहना है कि उनके भाई ने जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी और उसी को लेकर बार बार विवाद हो रहा था। शनिवार की रात जमीन की बाउंड्री घिरवाने के लिए ये लोग यहाँ सोए हुए थे। इस दौरान प्रवीण के साथ कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर प्रदीप कुमार और राहुल कुमार की हत्या कर दी। मृतक के भाई प्रकाश कुमार ने आरोप लगाया कि घटना में बिहार के मुख्य विपक्षी दल के विधायक भाई वीरेंद्र का भतीजा सोनू भी शामिल है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र के भतीजे सोनू के अलावा प्रमोद, रामव्यास सिंह और छोटू का नाम सामने आ रहा है। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं फर्स्ट बिहार से बातचीत में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मामले की जानकारी उन्हें मिली है। उनका भतीजा सोनू निर्दोष है, जानबूझकर उसका नाम इस मामले में घसीटा जा रहा है। पुलिस जांच में इसका खुलासा हो जाएगा। विधायक ने बताया कि इससे पहले भी बालू वाले मामले में नाम घसीटा गया था, जो बेबुनियाद था। उस मामले में क्या हुआ ये सबको मालूम है। सोनू मेरा भतीजा है और वो निर्दोष है, वो इस घटना में शामिल नहीं था। गौरतलब हो कि दूसरी बड़ी वारदात पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में हुई है। यहाँ आलमगंज महावीर घाट के पास चाय की टपरी पर कुछ बदमाशों ने एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी। इस घटना को अनुमंडल कार्यालय से महज 200 गज की दूरी पर आलमगंज थाना के पास अंजाम दिया गया। मृतक दीपक कुमार उर्फ पगलवा आलमगंज थाना क्षेत्र की बड़ी पटन देवी गढ़ा मोहल्ले का निवासी था। उसे कुछ दोस्तों ने चाय की टपरी पर बुलाया था। घटना को लेकर थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि मृतक दीपक कुमार उर्फ पगलवा आपराधिक प्रवृत्ति का था। उस पर आधा दर्जन से अधिक केस पहले से दर्ज था। वह जेल भी जा चुका है। पहली नजर में पुलिस इस घटना को आपसी रंजिश मान रही थी, साथ ही इसके अन्य आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। देखिए, बीती रात जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। 2 लोगों की हत्या हो चुकी है और 1 व्यक्ति घायल है। और अभी जो है हम लोगों ने आगे घटनास्थल पर रात से जो है वो जाँच की है। जाँचों उपरांत जो है वो कई तथ्य आए हैं। अभी फिलहाल प्रथम दृश्य ये मामला भूमि विवाद का लग रहा है।
लेकिन हम सभी पहलुओं पर जाँच कर रहे हैं, जाँच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। प्राथमिकी दर्ज होगी और अपराधी को किसी गिरफ्तारी भी अभी डिटेन किया गया है कुछ लोगों को, लेकिन अभी उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही ये बताया जाएगा गिरफ्तारी होगी। जानकारी रहता तो उससे पहले हमने मार देते। मतलब किस विवाद में आपको जानकारी कैसे हुआ कि कैसे घटना हुआ, सूचना कैसे प्राप्त हुई आपको? पता नहीं। कभी कोई किसी से इनका आपसी विवाद? आपसी विवाद नहीं, जमीन को लेकर। जमीन को लेकर किसी से आपसी विवाद हुआ? ब्याज से। और यहाँ जो जमीन खरीदे हुए हैं ना, वो प्रमोद कुमार उसकी वाइफ संग है। जानकारी आपको कितने बजे मिली थी ये सब? 12 बजे। आपको जानकारी क्या नाम था उनका? राहुल कुमार। आप कौन हो उनके?